आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपको दूसरों से बेहतर ही होना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो अब उसके लिए हर कोई अपना दिमाग लगाता है कि भाई मैं क्या अलग करूं मैं क्या अलग करूं YouTube पर आपको बतेरी वीडियो मिल जाएंगी लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा कि भाई मेरे को अगर मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं तो उसके लिए मेरे लिए क्या बेस्ट है मैं अपने आप को कहाँ तक कुछ कर सकता हूँ पजल है उसमें पॉसिबिलिटी चार बन रही है तो चारों में सॉल्व करके देखता हूँ कि

उनके साथ वार्ता करते हैं उनकी जर्नी को जानते हैं आखिरकार उन्होंने अपनी जर्नी कैसे पूरी की और आज वो एक एस्पिरेंट से बैंकर बने इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्टूडेंट कम बैंकर कह लीजिए को लेकर आया हूँ जिन्होंने पूरी अपनी जो स्टडीज़ की वो एक एज एज एवरेज स्टूडेंट ही की जब इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर वो स्कूल कॉलेज में एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे और आज इन्होंने एस बी एफ पी ओ एग्जाम को फाइनली क्रैक कर दिया एस बी एफ पी ओ को क्रैक करने से पहले इन्होंने आई बी पी एस क्लर्क लास्ट ईयर क्रैक किया और इस साल इन्होंने एस बी एफ पी ओ क्रैक किया और इवन इन्होंने आई बी पी एस क्लर्क की नौकरी करते हुए एस बी एफ पी ओ क्रैक किया ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इनसे जानेंगे इनसे समझेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे मुलाकात करते हैं ये है यश बजाज यश बजाज आपके सामने है दिल्ली Hello. से है ये और बहुत अच्छे इंसान हैं काफ़ी देर से इनसे बात चल रही थी चर्चा हो रही थी और स्पेशली दिल्ली से आए हैं मुलाकात करने एक अच्छा लगा कि जब एक स्टूडेंट यहाँ पर आता है स्पेशली मिलने और मुलाकात करने एक अलग सी फीलिंग आती है ऑब्वियस है एक टीचर के लिए प्राउड मूवमेंट है ऐसा लास्ट ईयर उन्होंने आई बी क्लर्क कंप्लीट किया पूरा किया मतलब कि क्लियर किया नौकरी की और इस साल इन्होंने एस बी को नौकरी अब ये ज्वाइन करने वाले हैं तो यश वेलकम थैंक यू सर आपका स्वागत थैंक यू सो मच आपने बुलाया उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बढ़िया लगा यश तुम आए यहाँ पर अपनी जर्नी को शेयर करने वाले हो यहाँ पर सबके साथ जी सर तो यश अपने बारे में एक बार कुछ बता दो थोड़ा सा बैकग्राउंड कहाँ से हो और क्या तुमने किया हुआ है ग्रेजुएशन वगैरह सर मैं दिल्ली से ही हूँ और ग्रेजुएशन मैंने 2019 में पास आउट करी थी बीकॉम ऑनर्स करा है मैंने ओके तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम तो ऐसे ही मैंने निकाला उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा मैं अब आगे क्या करना है एक्चुअली uh, मेरा भाई भी मतलब पहले प्राइवेट जॉब में था एच बैंक में जॉब करता था वो तो तब तो तो वो थोड़ा परेशान वगैरह रहता था कि मतलब मतलब नहीं हो पाती थी उससे कि मतलब स्ट्रेस ज़्यादा रहता है प्राइवेट सेक्टर में तब तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहा चल गवर्नमेंट में देखते हैं आगे क्या क्या तो मेरे को आर्मी में बहुत इंटरेस्ट था जाने का फिर मैंने तैयारी भी करी मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए उसके तब फिर थोड़ा मेडिकल इशूज़ के वजह से मैंने फिर ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसमें ये है कि लास्ट मोमेंट पर आकर कोई अगर आपको मतलब जैसे मेडिकल कोई भी इशू आपको निकलता है एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम भी दिया था टेरिटोरियल आर्मी का भी एग्ज़ाम दिया था एफ कैट का भी दिया था मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे फिर उसके बाद मैंने एक बैठ के एक दिन बैठ के आराम से मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या आगे कर सकते हैं तो तब फिर मैंने देखा उसमें तो रेलवेज एस एस सी बैंक इंश्योरेंस कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं सेबीनाबार्ड आर बी आई तो मतलब बहुत से एग्ज़ाम होते रहते हैं तो तब फिर मैंने बैंकिंग को टारगेट करा क्योंकि मैंने शुरू से इंटरेस्ट भी था बैंक में तो फिर तब फिर मैंने शुरू करी अपनी तैयारी तो स्टार्टिंग में तो यही है कि मतलब अब जैसे हर लोग हर कोई ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं गाइडेंस नहीं होती है तो मेरे से भी हुई वो सब गलतियाँ

ओके okay. तो बैंकिंग चलो चलो अपने बात करते हैं बैंकिंग की तैयारी तुमने शुरू की तो तब मतलब कहाँ से तुम्हें पता चला था कि बैंक की तैयारी करनी है मतलब बैंक ऐसी नौकरी होती है या कुछ ने गाइड किया या कुछ ऐसा नहीं सर एक्चुअली फैमिली में कोई ऐसे हैं नहीं सिर्फ मेरी बुआ ही हैं जो गवर्नमेंट जॉब में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और एक बुआ है उनसे मतलब ले नहीं पाया गाइडेंस वो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा से एजीएम रिटायर हुई ओके बट कभी मतलब वैसे बात होती थी लेकिन स्पेसिफिकली कभी इससे रिलेटेड बात नहीं हुई कि मैं मतलब कैसे करूँ थोड़ा मैं को गाइड करता हूँ तो खुद ही अब आज के टाइम पे तो डिजिटल है तो यूट्यूब के थ्रू ही मैंने सर्च वर्च करा कि क्या पैटर्न वगैरह रहता है फिर उसके बाद मैंने टीचर्स वगैरह भी देखे अब स्टार्टिंग में तो मेरे से थोड़ी गलती ये रह गई कि ना मैं मतलब देखा किसी चैनल पे देखा कि चार पाँच हज़ार बंदे लाइव हैं वहाँ क्लासेस हो रही हैं अच्छा। तो मैं वहाँ आराम से मतलब मैंने सीखने बैठ गया मैं कहा चल यार देखते हैं फिर मैथ्स की करी रीजनिंग की भी करी तो स्टार्टिंग में तो कुछ कुछ टॉपिक समझ में आते थे फिर जैसे अब बैंकिंग का एग्ज़ाम ऐसा ना उसका प्रीलिम्स तो बहुत ईजी होता है आप उसको देख लो आप एवरेज बच्चे आप कर सकते हो बट जो मेन्स का एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है आपका आई कितना है आप कितना दिमाग चला सकते हो और कितनी देर तक चला सकते हो कितनी जल्दी चला सकते हो ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती हैं अब वो जब आप हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आती है आपको अब स्टार्टिंग में मैंने यही गलती करी भीड़ की तरफ चला गया फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करी फिर एग्ज़ाम दिए एग्ज़ाम दिए एक दो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुए मैंने आई बी दिया था सबसे पहले टू में अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैं जितने अटैम्प्ट करके आया उतने मेरे मार्क्स आ गए बट वो सफिशियंट नहीं थे क्योंकि आपके आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको जॉब चाहिए जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए फिर उसके बाद आई बी पी एस क्लर्क का दिया वो भी नहीं हुआ तब फिर मेरे को थोड़ी मतलब लगी कि मैं मतलब क्या कमी हो रही है या क्या गलती मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डेडिकेटेड था मैं शुरू से डेडिकेटेड था फर्स्ट डे कि मेरे को अब करना है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि आप जैसे अब आप तो सर टीचर हैं आपको पता ही हैं बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर फिर छोड़ देते हैं पाँच पाँच छः छः साल लग जाते हैं जॉब नहीं मिल पाती है उनको गवर्नमेंट सेक्टर में या कहीं भी तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं भी मतलब यही हूँ कि मतलब दो साल चार साल बाद मैं किसी से मिल रहा हूँ अपने कॉलेज पास आउट से या स्कूल पास आउट से किसी दोस्त से मिल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं उसको अभी भी यही बोलूँ कि भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ अब सामने वाला दोस्त अच्छा होता है वो बोल देता है मतलब दोस्त अच्छा होगा वो नहीं बोलेगा लेकिन मन में उसका आएगा ही यार ये तो अभी दो साल पहले मेरे से मिला था अभी भी ये वही कर रहा है और अब मिला अभी भी वही कर रहा है तो मैं डेडिकेटेड फर्स्ट डेयर से था कि मेरे को करना है ये उसके बाद फिर क्या हुआ मैंने फिर सोचा मैंने फिर टीचर्स और मतलब मैंने सब छोड़ दिया कि मैं अभी किसी एग्जाम पर फोकस नहीं कर रहा सबसे पहले मैं टीचर्स पर फोकस करूँगा कि मेरे को किस टीचर से पढ़ना है मतलब तुम्हारी बात से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है स्टार्टिंग में तो तुमने टीचर्स को फॉलो किस बेस पर किया कि हाँ यूट्यूब पे है व्यूज़ जी, जी सर जी सर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं मैंने उस बेस पर फॉलो करा कि हाँ पाँच हज़ार बंदे चार हज़ार बंदे लाइव देख रहे हैं कोई अगर बाद में देखो तो तीस तीस चालीस हजार व्यूज आ रहे हैं मतलब इतने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं इतने लोग इनकी वीडियो देख रहे हैं ठीक है मैंने कहा यार चल ठीक है ये लोग भी पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ सकते हैं इनसे बट ट्यूनिंग जो है वो सबसे मैच ही नहीं हो पाती रीजन ये है ट्यूनिंग जो है वो सबसे मैच ही नहीं हो पाती ठीक है। मैं किसी से पढ़ रहा हूँ उसका पढ़ाया मेरे को समझ में आ रहा है जरूरी नहीं है मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी वो चीज़ समझ में आएगी सही बात है वो नहीं आएगी उसको समझ में आ भी सकते नहीं भी आ सकती देन फिर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी में मैंने फिर डिसाइड करा तब मैंने फिर थोड़ा एक्सप्लोर करा तब मेरे को एन अकेडमी के बारे में पता चला था तो मैंने फिर वहाँ से पहले स्पेशल क्लासेस होती हैं एन अकेडमी पर मैंने वहाँ से फिर रीजनिंग के मैथ्स के क्वांट क्वान्ट के और इंग्लिश के और जनरल अवेन्स के मैंने हाँ तीन चार सितंबर से लेकर दिसंबर तक मैंने जनरल अवेन्स को छुआ भी नहीं था नहीं। मैं कहा ये तो कर लेंगे पंद्रह पंद्रह दिन में हो जाएगी लेकिन नहीं फिर उसके बाद जब मैंने कोर्स देखा छः महीने की करंट अफेयर छः से आठ महीने की याद दी है सर करंट अफेयर्स तो तब मैंने सोचा मैं क्या यार ये तो मतलब करनी पड़ेगी पढ़नी पड़ेगी स्टार्टिंग में लग रहा था कि एसएससी की मतलब मैंने टेन प्लस टू भी दिया जैसे आ, 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 ट्वेल्थ के बाद देते हैं हाँ वो भी मैंने दिया तो मैं कह तो वन लाइन ना दी तो पढ़ना है तब फिर मैंने सोचा मैं कहा नहीं देखते हैं उसको फिर आगे मैंने टीचर्स मैंने फिर चेंज करे मैंने उनके फिर फुल फ्लैच कोर्सेज लेकर मैंने उनको पूरा कम्प्लीटली फॉलो करा अब उसके बाद फिर मैंने आर बी असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया फेबररी में और एस बी आई क्लर्क का एग्ज़ाम दिया फेबररी फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी में वो दिया आर बी असिस्टेंट तो सर पता ही है कटाफ आपको कितनी जाती है उसकी तो <laughs> so, वो एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी एटी फोर एटी फाइव के आसपास मैंने अटैम्प्ट करे उतने मेरे मार्क्स आ गए थे हाँ दुख था कि नहीं हुआ लेकिन ये था कि चल ठीक है अब मार्क्स आ गए हैं मेरे मतलब मैं जितना कर रहा हूँ वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है फिर एस बी क्लर्क भी दिया फिर उसके बाद तो लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई थी कोविड वगैरह आ गया था तब फिर घर पर बैठ के ही मैंने मतलब लोग देखते थे कि भाई वेब सीरीज़ आ रही हैं मूवीज़ आ रही हैं ये वो मेरे को टी वी देखने का मूवीज़ देखने का वेब सीरीज देखने का बहुत शौक है लेकिन मैंने सारा छोड़ दिया था टू थाउजेंड नाइनटीन में सेप्टेम्बर में उसके बाद से मैं मतलब बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने क्योंकि मैं पहले ये चीज़ ख़त्म करूँगा उसके बाद कहीं अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे हम देन फिर यही चीज़ हुई उसके बाद फिर मैंने तैयारी करी लॉकडाउन में भी तैयारी करी तब फिर मैंने आर आर बी पी ओ दिया सेप्टेम्बर में आर आर बी पी ओ पी दिया मेरा क्लियर हुआ उसके बाद आई बी पी एस पी ओ एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस क्लरिकल के मैंने एग्जाम दिए वो भी मेरे सारे प्रीलिम्स हुए मैं मेंस में गया मेंस देने गया मैं मेरा एस बी आई क्लर्स जो मैंने फेबररी ट्वेंटी ट्वेंटी में दिया था उसका रिज़ल्ट सितंबर में या अक्टूबर में अराउंड आया था तो वो मेरा एक मार्क्स से नहीं हुआ तब भी मेरे को बहुत दुख लगा मैं कहा यार अब तो अच्छी तैयारी करी थी एक मार्क्स से नहीं हुआ फिर मैं कहा चल कोई नहीं आगे इतने सारे एग्ज़ाम लाइंड अप हैं तो मैंने तैयारी करी अपनी पूरी उसके बाद मैं अब मेंस थे मेरे एक ही वीक में तीनों पीओ मेंस थे मेरे आर आर बी पी ओ एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ एक ही महीने में तीनों मेंस थे मेरे और मैंने मेंस की तैयारी ही लॉकडाउन में शुरू करी थी क्योंकि उससे पहले मेरे को इतना नहीं था कि मैं क्या यार इतना थोड़ी कोई मुश्किल आता होगा जब मैंने क्वेश्चन उठाने शुरू करे फेबर में मार्च में मैंने मैंने जैसे तैयारी शुरू करी रीजनिंग के सेक्शन की और उसकी मैथ्स के से उसकी अकाउंट के सेक्शन की तब तो पता चला कि हाँ लेवल अच्छा आता है और आज के टाइम पर सर आपको पता है कंपटीशन इतना है वैकेंसीज भी मतलब कम रहती हैं वैसे तो मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं था वैकेंसीज पर वो वही है जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता था टेलीग्राम पर ट्विटर पर शोर मच जाता था कि भाई पिछले साल या पिछले सात साल के मुकाबले इस साल सबसे कम आई हैं मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था तो अब कॉम्पिटिशन इतना है कि आपको एक सेक्शन या दो सेक्शन पर दो सेक्शन पर आप एक्सेल कर कर आप पास नहीं कर सकते आपको चारों सेक्शन अपने स्ट्रांग रखने पड़ेंगे तभी जाकर आपका निकलेगा अब हुआ क्या मेरे साथ आ, मैंने तीनों पीओ मेंस थे एक ही एक ही वीक में मैंने तैयारी करी अब लास्ट मोमेंट में मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि मैंने करंट अफेयर्स जो लास्ट के दस बारह दिन में मैंने जिस स्पीड से या जिस एक्यूरेसी से आप कह लीजिए जैसे जिस तरीके से मैंने करनी थी वो मैं नहीं कर पाया अब एग्जाम देने गया तो भाई बाकी सारे सेक्शन तो हो गए करंट अफेयर का सेक्शन नहीं हुआ फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने एस बी दिया नेक्स्ट डे मेरा आर आर था मैं वो देने गया वहाँ भी यही दिक्कत लगी मेरे को फिर मैं चार दिन बाद मेरा आई बी पी था मैं वो देने गया वहाँ भी मेरे को यही दिक्कत लगी और क्वेश्चन आए हुए थे जो क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स में पढ़ कर गया था वो सारे क्वेश्चन आए हुए थे वो मतलब ये था कि मल्टीपल रिवीजन मैंने नहीं कर रखी थी जो जिस फ्रीक्वेंसी से करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं करनी अब होता क्या था अब आपने पढ़ रखा है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कन्फ्यूजन हो कि आप गलत ही करोगे या तो हो सकता है कि इस मत आपके ठीक हुए तो आपको आंसर ठीक है आपका लग जाएगा बट दिक्कत ये है उसमें फिर ये है कि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे अच्छा चार चार फरवरी 2021 को मैं आई बी पी एस पी ओ मेन दे कर आया तब तो मैंने सोचा मैं गया मैंने तीन पेपर दिए हैं तीनों में मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश uh, का सेक्शन तो सही हो गया करंट अफेयर्स का सेक्शन ठीक नहीं हुआ और करंट अफेयर्स बट मैंने पढ़ तो सारे रखे थे फिर मेरा 28 मार्च को नहीं 28 फरवरी को सॉरी 28 फरवरी 2021 को मेरा आई बी क्लर्क का मेंस था तो मेरे पास भाई 24-25 दिन थे बीच में तो मैंने उसमें मतलब मैंने बाकी तीन सेक्शन की तो तैयारी मैंने उसमें भी करी और, मैंने उस, पर, मैंने, और मैंने उस पर करंट अफेयर्स पे मैंने और फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस पे उस पर मैंने ज्यादा जोर दिया कि मैं कहा यार मैं एक एक एग्जाम एक जो, जो मैंने गलती करी है वो इसमें ना गलती यही रही हाँ। थी करंट अफेयर्स को तुमने मैंने हाँ उस, पे उस लेवल पे मैंने तैयारी नहीं करी जो एग्जाम मांग रहा है जो कॉम्पिटिशन मांग रहा है क्योंकि मैं कर रहा हूं तैयारी मैं करंट अफेयर्स तीन महीने मतलब जैसे छह महीने की कर रहा हूं मैं चार बार कर रहा हूँ कोई बच्चा उसको छः बार कर रहा तो वो वैसे ही मेरे से ऊपर है तो वो अगर सीट वो ले जाएगा सीट वो ले जाएगा फिर मैंने उस चौबीस दिन के अंदर मैंने पिछले छः महीने की करंट अफेयर्स मैं तीन से चार बार मैं कर चुका था और तब तो मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्कुल फ़ील हो रहा था कि मैं कहा मैं अब तैयार हूँ फिर मैं गया एग्ज़ाम देने गया एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ फिर उसके बाद तो कोई एग्ज़ाम बचा नहीं था रिजल्ट आना था एक अप्रैल को लेकिन मैं तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखी थी मैंने मतलब मैंने हाँ तब तो मैंने एक ई सी जी सी पी ओ का भी दिया था मैंने चौदह मार्च को मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था जो अभी भी होने अभी होने, वाला है अभी होने वाला है।, 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 है मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था उसमें भी मेरे को जो इशू मेरे को लगा वो करंट अफेयर्स का ही था अब मैंने अट्ठाईस मार्च अट्ठाईस फरवरी तक तो मैंने अच्छे से तैयारी करी अट्ठाईस फरवरी को पेपर देकर आ गया जो वो बारह तेरह दिन के आगे और तैयारी करनी थी वो मैं कैरी नहीं कर पाया कि भाई मैं करंट अफेयर्स को वो छः महीने के जो मैंने अभी तीन चार बार रिवाइज़ करे हैं वो मैं और दो बार रिवाइज़ कर लूँगा तो मेरा उसमें भी अच्छा स्कोर हो जाएगा वो जो गलती मैंने आई पी एस पी ओ मेन्स एस बी आई पी ओ मेन्स में करी वही गलती मैंने ई सी जी सी पी ओ में भी करी फिर एक अप्रैल को रिज़ल्ट आ गया आ, मैं मेरे दोस्त के साथ मेरे दोस्त का ना ड्राइविंग टेस्ट था उस दिन उसका डी एल का टेस्ट था तो मैं उसके साथ गया हुआ तो वो गाड़ी में बाहर बैठा हुआ मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा था तो तब फिर मैंने मतलब मैसेज टेलीग्राम मैसेज खोल के देख लिया मैंने तो, तो पता चला कि भाई चला रिजल्ट गया। आ गया तो सबसे पहले पीओ का आया था और उसके क्लैरिकल के उस पर लिंक पे आईबीपीएस के लिंक पर लिखा हुआ था कि लेट इवनिंग तक आउट हो जाएगा पाँच मिनट बाद वो भी आ गया मैंने रोल नंबर डाला रिज़ल्ट खोला मैंने अब सर वो सिलेक्शन के लिए ना तीन लाइन लिखी होती हैं वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू डैट आगे ऐसे लिखा होगा अब मैं पढ़ रहा वी आर ग्लेट टू इन्फॉर्म यू डैट लेकिन मेरा माइंड क्या उसको पढ़ा था वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट और मैंने सोचा मैं यार रिजेक्शन का जो रिजेक्शन की जो लाइन होती है वो वो तीन लाइनें तो होती नहीं है वो तो एक ही लाइन में लिख देते हैं कि भाई आपका नहीं हुआ तो फिर मैंने ना मैं कहा यार सबसे लास्ट में ना अलॉटेड बैंक लिखा होता है तो वो चेक कर कि आ, मतलब वो कौन सा है बैंक फिर मैंने चेक करा मैं कहा ये तो कैनरा बैंक मिल गया मेरे को ये वो फिर वहाँ से भागता भागता गया मेरा दोस्त सबसे पहले बाहर बैठा होगा मैंने उसको जाके बताया मेरा यार मेरा हो गया ऐसे ऐसे तो वो भी मतलब मतलब वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड ही है मेरा वो मतलब बस रोया नहीं था आ, आ, उसके मुझे पता चल गया था मैं कहा उसके आंसू निकल जाएंगे <laughs> मतलब वो बस रोया नहीं था फिर उसके बाद मैंने घर पर फ़ोन करके बताया घर पे भी सब खुश हुए और एक, एक अप्रैल को रिजल्ट आया था बीस या इक्कीस मार्च की बात है तो मेरे पापा मेरी बुआ जी के पास गए मतलब ऐसे ही बात बात करने कुछ तो पापा ने बोला मेरे पापा शॉपकीपर हैं तो मेरे पापा ने बोला कि अरे आजकल सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है तू ही समझा इनको तू ही बोल हिमांचू तो जॉब कर रहा है मेरा भाई वो तो जॉब कर रहा है ये दुकान पर आ जाएगा मेरे साथ ये कर काम कर लेगा ये वो तो मेरी बुआ ने उनको ये जवाब दिया कि अब उसको करने दे अपनी की करने दे जब उसको लगेगा कि भाई नहीं हो रहा तो तब फिर वो कर लेगा भाई तेरे साथ या, कोई तू जो वो बोले तू काम शुरू करवा दिए उसको तो फिर जब एक तारीख को रिज़ल्ट आया मैं दोपहर तक घर आ गया था बारह एक बज गए थे मैं वो घर आते आते हैं मेरे पापा तीन सौ पैंसठ दिन में से तीन सौ चौंसठ दिन दुकान जाते हैं सिर्फ होली की छुट्टी होती है उनकी और होली की भी सिर्फ इस वजह से होती है कि भाई आके फिर लोग रंग वंग डालते हैं दुकान गंदी हुई तो मैं घर पहुँचा मेरे पीछे पीछे मेरे पापा आ गए तो केक लेकर मेरे पापा घर आ गए थे तो पापा भी बहुत खुश हुए फिर तो देन फिर उसके बाद थोड़ा वही था तैयारी कर रहा था मैं कंटिन्यू कि मैं कहा चल आगे और भी एग्जाम्स आएंगे अभी तो मैं क्लैरिकल पर ही सिलेक्ट हुआ हूँ तो आगे अब और तैयारी करते हैं क्योंकि मतलब सफिशियंट नहीं है मतलब मतलब भूख खत्म खत्म नहीं हुई एक्चुअली तो क्या है एक्चुअली क्या है जैसे हम जब तैयारी के फेज में होता है ना हम यूट्यूब पे बहुत वीडियोस वगैरह सर्च करते हैं मैं वैसे स्ट्रेटेजी की वीडियोस वगैरह मैं ज्यादा देखता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है तो एक ना वो आपने सर सुपर थर्टी मूवी देखी हुई बिल्कुल तो वो आनंद सर जो है ना उनकी एक वीडियो आई थी मतलब ऋतिक सर ने उनका रोल करा था उनकी नहीं आनंद सर जो है उनकी आ, वीडियो आई थी तो उन्होंने एक ना अपनी ऐसी शॉर्ट वीडियो में उन्होंने बताया था कि सफलता के तीन पिलर्स होते हैं तीन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी उसमें एक ये था कि आपको प्रयास करते रहना आपको रुकना नहीं है आपको कॉन्टीन्यूटी जो है वो मेनटेन करके रखनी है दूसरी चीज ये थी कि आपकी थ्रस्ट कितनी आपको भूख कितनी है <गग़ाँ> आपकी भूख कितनी अगर आपकी भूख छोटी होगी तो आपका कम में पेट भर जाएगा बिल्कुल आपका कम में पेट भर जाएगा लेकिन आपको वो चीज नहीं करनी है बस तुम्हारी पास एक चीज है कि सोच का दायरा बढ़ाओ बढ़ाओ है ना बड़ाओ. सोच का दायरा अगर तुम लोग बढ़ाओगे बड़ा सोचोगे तो बड़ा तुम अचीव कर पाओगे अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्लेक्ल से सफिशेंट हूँ मतलब कुछ अगर सोचा है कुछ और करने का कुछ जज्बा है तो ऑफिसर ऑफिस अगर ऑफिसर के बाद भी कुछ और सोचा है तो वो भी कर और भी आगे बहुत सारे ऑप्शन है बहुत ऑप्शन है यश से मैंने बात करके अभी तक दो पॉइंट मैंने सीखे हैं समझे हैं जो यश ने अपने पहले अटैम्प्ट में गलतियां की थी वो दो पॉइंट बहुत बड़ी गलतियां इन्होंने की थी जो इनसे समझ लगी हैं ये यश मैंने यहाँ पर लिखा है पहली चीज सिलेक्शन ऑफ टीचर्स दिस इज रियली इंपॉर्टेंट और ये प्योरली डिपेंड करता है तुम्हारे खुद हाँ, के ऊपर कि किसके रही है जरूरी नहीं है कि किसी के एक लाख व्यूज हैं या दस हजार व्यूज हैं तो एक हजार व्यूज डजन मैटर एट ऑल भीड़ के पीछे कभी मत भागो सही कह रहा हूं पीछे मत भागो ये लाइव एग्जांपल है ये उन टीचर से पढ़ रहे थे जो बहुत अच्छे व्यूज ले रहे ले, लेकिन इनका वहां सर नहीं हुआ ये कोई और टीचर पकड़ा और उनका सोचा कि हाँ इनसे ट्यूनिंग बैठेगी उनसे। अब मैं टीचर के नाम भी पूछ सकता था ये बता भी देते लेकिन फिर वही बात होती कि आपकी ट्यूनिंग बैठे ना, ना। बैठे तो इसलिए खुद सोचो आप सबको पता है कि बैंकिंग एग्जाम में कितने टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर पूछोगे आप कि सर ये बताओ कि आप कौन से टीचर से पढ़ते थे ये बताओ आप कौन सा सोर्स फॉलो करते थे अरे ठीक है आपकी बात सही है लेकिन ये बात आपको मालूम है कि कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं आपको सब मालूम है लेकिन इनके बताए हुए टीचर जरूरी थोड़ी ना आपको पसंद आए तो इसलिए ये आपके ऊपर है पहली चीज तो सिलेक्शन और टीचर और कुछ इस पर सर तो मैं ऐड एक चीज करना चाहूंगा जो भी अगर कोई नई तैयारी शुरू कर रहा है तो वो यही करे मतलब जल्दबाजी मत करना एक महीने का टाइम आप अपना ऐसा रखिए कि जिसमें आप मतलब जैसे अगर क्वांट है तो क्वांट के दो टीचर आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और रीजनिंग के कर लीजिए और आप उनसे पढ़ कर देखिए कि आपकी ट्यूनिंग उनके साथ बैठ रही है अगर जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे आप फिर उसके बाद अपनी स्टडीज़ जो है उनसे कंटिन्यू करना मेरी गलती हाँ कंटेंट सर कंटेंग प्रोवाइड कंटेंग कर हाँ प्रोवाइड कर देते हैं कंटेंट सब प्रोवाइड कर देते हैं बट जो एक समझाने की होती है क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स में यही है कि टीचर कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहा है और वो आपके समझ में आ रही है नहीं आ रही तो आप थोड़ा टाइम उसके लिए दीजिए ये जल्दबाजी मत करिए कि ठीक है सर मान लीजिए कल एस बी आई का नोटिफिकेशन आ जाता है और बहुत से न्यू कमर्स जो हैं वो कहते हैं भाई मैंने तैयारी करनी है जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती मत कर देना जो मैंने करी है कोई नहीं अगर आपका इस बार नहीं होगा तो अगले साल भी आई एस बी आई पी ओ आएगा आप उसमें दे देना आ जाएगा आई बी पी एस पी ओ आ जाएगा आई बी पी एस पी ओ आ जाएगा तो ये गलती मत कर देना कि भाई ये तो आ गया मैंने तो अभी ले लिया बहुत से बंदे कर भी लेते हैं सिलेक्ट लेकिन सर मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो तो चाहते हैं कि भाई हाँ गवर्नमेंट जॉब में जाना है ये चीज़ मैंने भी बहुत देखी है लोगों में जल्दबाजी करते हो तुम लोग मतलब कि, कि अच्छा नोटिफिकेशन आ गया दो महीने और एग्ज़ाम है फटाफट से दो महीने में हम फटाफट से कोर्स कंप्लीट करेंगे और प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करेंगे और उसके बाद हम फटाफट से मेंस एग्जाम मतलब फाइनल सिलेक्शन ये सोच लेते हैं आप ये सोचो ना कि आप हो सकता है आप एक्सेप्शन केस हो हम ये नहीं कहते बहुत से बंदे कर लेते, कर लेते हैं।, हैं कर लेते हैं लेकिन सौ में से दो तीन मतलब सौ में भी मैं सौ में भी दो तीन मैंने ज्यादा बोल दिया लेकिन लेकिन वही है ना कि डिपेंड्स कि आप किस तरह से जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है जैसे यश अपनी बात कर रहे हैं ये उन स्टूडेंट अभी मुझे अपने परसेंटेज बता रहे थे तो इन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को किया जी। ऐसे नहीं है कि बहुत एकदम से सब कुछ इनको आ गया सीख लिया लिया और कर लिया। स्टेप स्टेप बाय किया और फाइनली देखो स्टेप बाय स्टेप करके पहले क्लर्क हासिल किया आईबीपीएस क्लर्क फिर एसबीएपीओ अभी PO की इनकी जर्नी पूछते हैं उसमें क्या अभी अपने इनके बेसिक पे चल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया तो ये दूसरी गलती तुमने करंट अफेयर की बताई कि करंट तुमने कर फोकस नहीं किया कैजुअल लिया और ठीक है वो गड़बड़ हो गई क्लर्क तुम्हारा निकल गया जो कि एक ठीक था एग्जाम हाँ हमारे उसमें बाकी सब्जेक्ट्स में पकड़ अच्छी होगी तो तुमने निकाल दू तो इसका इसकी मैं रीज़न बताता हूँ मैंने क्यों फ़ोकस नहीं करा मैं जैसे मैंने अभी बताया कि मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मेरा ना शुरू से ना थ्योरी में ध्यान रहता ही नहीं था कि भाई अगर पढ़ना है ना मेरे को नहीं ध्यान रहता था जैसे अकाउंट्स हो गया मैथ्स हो गया इकोनॉमिक्स हो गया कि मतलब थोड़े लॉजिकल सब्जेक्ट हैं आप मतलब प्रैक्टिस करो मैथ्स और रीजनिंग तो सर ऐसी है आप सामने तेज आवाज़ पे टीवी भी चला दो मैं तब भी कर दूंगा <laughs> और उतना ही टाइम लगेगा अगर मेरे को, को कोई मेंस लेवल का पजल सॉल्व करने में दस से बारह मिनट पंद्रह मिनट लग रहे हैं टी चला दोगे या फिर गाने चला दोगे तब भी उतनी ही देर mm -hmm. लगेगी mm -hmm. उसमें मेरा फ़ोकस नहीं हिलता मेरा फोकस हिलता है थ्योरी का कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना हो तो mm -hmm. ये ये गलती उसी वजह से होती थी क्योंकि मेरी शुरू से ही स्कूल में भी और ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश में तो सर मेरी एलेवंथ में कंपार्टमेंट भी आई हुई है अच्छा। <laughs> तो मतलब उसमें तो कंपार्टमेंट आ गई थी तो मैंने रीटेस्ट का पेपर दिया था उस री, उस रीटेस्ट के पेपर मेरे को पंद्रह दिन के आसपास मिले थे और पंद्रह दिन में बहुत शिद्दत से पढ़ा था और मेरा पेपर क्लियर हुआ था तो तब फिर लगता था यार पढ़ा हूँ तो पेपर के लिए तैयारी करिए रिज़ल्ट तो आ गया पॉजिटिव रिजल्ट आया लेकिन फिर वही था वो बीच बीच में मतलब ये हो जाता था कि मतलब कोई नहीं कैजुअल ले लेगा तो मैं कैजुअल लेता कि कोई नहीं क्या करना है क्या करना है हाँ क्या, क्या करना हा, हा, ये चीज़ हो जाती थी तो रीज़न यही है कि मैं थ्योरी को शुरू से यही करता था अवॉइड करता था तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हुई ठीक है अच्छा चलो अब आगे चलें आगे जी सर आईबीपीएस क्लर्क हो गया आईबीपीएस क्लर्क हो सब खुश थे सारे थे मैं भी सेटिस्फाई था और घर वाले भी थे कि क्योंकि मतलब मैं लॉकडाउन की एक बात बताता हूँ आपको लॉकडाउन लगा हुआ था अब मेरे पास तो टाइम था क्योंकि मेरी जो अब आप मैंने आपको बताया कि भूख बड़ी होनी चाहिए <coughs> मेरी भूख थी कि भाई मेरे को करना है मेरे को करना है मेरे को अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ भाई हम भी कुछ करने ही आए हैं ये नहीं हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे तो रात को क्या चीज़ होती थी अब मैं पूरी रात जा के पढ़ सकता हूँ मेरे को नींद नहीं आती कुछ नहीं होती अब लॉकडाउन था भाई सबका टाइम टेबल तो बिगड़ा हुआ ही था सब घर पर थे तो मैं रात को स्टडी टेबल पर आराम से मैं चेयर लगा के बैठ गया मैं करता रहा करता रहा फिर अब मतलब घर पर कोई मेरे पास सेपरेट जगह नहीं थी पढ़ने की बट यही होता था कि जहाँ जगह मिलती थी मैं जगह पकड़ के अपनी बैठ जाता था मैं पढ़ता रह अब मैं पढ़ रहा तो मैंने अब रात हो गई भाई मैं क्वेश्चन लेके बैठा हूँ मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहा था और कॉन्ट कर रहा था मैं तो एक दिन क्या हुआ मम्मी ने कह दिया बत्ती बंद कर दे भाई हम सोए मैं कहा चलो ठीक है सो जाओ मैंने मोबाइल से कैमरा निकाल के फ्लैश लाइट जला के मैं पढ़ने बैठ गया एक दिन दो दिन मैंने ऐसे करा फिर मम्मी बोली कहती आँखों पर स्ट्रेन पड़ेगा तो नाइट लाइम वगैरह ले ले तो मैंने अब उस टाइम पर अमेज़न पर कोई डिलीवर भी नहीं कर रहा था क्योंकि डिलीवरी तो हो नहीं रही थी जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो देखी और मैंने घर पर एक नाइट लैम्प बनाया घर <laughs> पर एक नाइट लैंप बनाया सारी चीज़ें मेरे को घर पर ही मिल गई थी तार स्विच वगैरह ये सब चीज़ें और छोटा सा एक बल्ब वगैरह मेरे को मिल गया था सुबह बनाया शाम तक तैयार हो गया मतलब मैंने तब ये है कि इतना टाइम मैंने पढ़ाई से छोड़कर कहीं और मैंने दिया था नाइट लैम्प मैंने बनाया तो फिर वो मैं नाइट लैंप लगा के मैं रात को पाँच छः सात बजे तक जब तक मैं बैठता था तो मैं बैठ के पढ़ता था तो तब घर वाले भी मेरे मतलब देखते थे कि हाँ भाई ये डेडिकेटेड है क्योंकि इससे पहले इतनी शिद्दत से कह लीजिए आप या आ, मैंने मतलब कोई और काम नहीं करा है मतलब पढ़ाई इतनी हाँ पढ़ाई इतनी, इतनी, हा, इतनी शिद्दत से मैंने नहीं करी कभी नहीं, कभी नहीं वो करी मैं, मैंने वो, वो हो खुद हैरान हो रहे मतलब मेरे घरवाले बोलते थे शुरू से क्योंकि ठीक है एवरेज होता है स्टूडेंट बट दिमाग दिख जाता है कि भाई तेज है कैसा है तो अब फिर भाई मैं करता रहता था तो मेरे घर वाले भी मेरे को मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हों तो मतलब तैयारी करता रहता था मैं और कुछ टाइम तो फिर बीच में तो टाइम यही आ गया था कि मैं मतलब रात को नौ बजे पढ़ने बैठता था सुबह आठ नौ बजे तक पढ़ता था मैं उसके बाद नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके फिर पढ़ने बैठ जाता था और दोपहर में दो बजे तक पढ़ता था दो बजे खाना खा के मैं तीन बजे सोता था और तीन से नौ मैं रात को मतलब दिन के तीन से नौ मैं सोता था ये मतलब आई बी क्लर्क होने से पहले की है ये मेरी तो तब तो मैं मतलब रात को ही मेरा हो गया था पढ़ने का सारा मैं छः सात घंटे की नींद लेता था तब तो दिन की तो मेरे को दिन की नींद अच्छी भी लगती थी अभी भी लगती है वैसे तो अब तो खैर जॉब वाले हो गए हैं तो नहीं ले सकते बट वो है कि मैं मतलब ईजीली कर लेता मेरे को रात को नींद नहीं आती थी मतलब मैं रात को तब तो करंट अफेयर्स या इंग्लिश पढ़नी हो मैं वही पढ़ लेता था तो कोई इशू नहीं होता था मेरे को उससे

वो मैंने ड्यूरेशन छोटी कर दी चार से पांच घंटे ही पढ़ता था मैं क्योंकि उस टाइम पर कोई पेपर भी नहीं आया हुआ था अप्रैल तो, तो सर लेट हुई थोड़ी थोड़ी सी लेट हो गई ज्वाइनिंग तो हुई है अक्टूबर को ठीक है है तो तब तो तक प्री प्री कब हुआ हुआ था मेरा सर नवंबर में नवंबर में हुआ तो यानी कि ये मान के चल सकते हैं प्री की तैयारी तो तुमने एटलीस्ट जॉब से कुछ पहले कर ली कुछ बाद में बाद में कर ली बाद में तो सर सिर्फ मैं प्रैक्टिस ही करता था ठीक है बाद में से प्रैक्टिस तो ही करता है वो तो साथ ही करी है जो साथ करी, करी है, है। उसमें है। तो मैंने वैसे जुलाई में अगस्त में मैंने आर आर बी पी ओ भी दिया था आर आर बी पी ओ दिया था क्योंकि एक फ्लो बना रहे हैं कि क्योंकि एग्जाम देते रहोगे आपका फ्लो बना रहेगा आप अपनी उससे प्रिपरेशन से हटोगे नहीं आप तो मैं तैयारी करता रहता था उसमें अब आर आर बी पी ओ दिया एस बी आई क्लर्क का प्री भी दिया मैं कह चलो दे देते हैं एस बी आई का अपन में अलग से एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो तो मैंने उसका भी दिया फिर मैं कहा पी ओ मेन्स के आएंगे और बाकी एन आई ए सी एल का भी एग्जाम आया मैंने उसकी भी तैयारी करी अब चैलेंजिंग मेरे लिए आया था कि सेप्टेम्बर में मेरे घर पर थोड़े घर पर कुछ फैमिली काम घर के काम के वजह से मैं अपनी पढ़ाई जो है ढंग से कर नहीं पा रहा था घर पर भी है भाई लग तो गई अब जॉब लेकिन अब वो तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है तब फिर यही चीज़ हुई मैंने जैसे तैसे कर कर मैंने मैनेज करा फिर अक्टूबर में तो मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी थर्टीथ तो सेप्टेम्बर को मेल आ गया था ज्वाइनिंग का मेल आ गया था कि आपको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग सेंटर आपको रिपोर्ट करना है उसके बाद फिर 18 अक्टूबर तक तो वो तैयारियां ही चलती रहीं कि भाई मेडिकल भी कराना था तो मेडिकल के लिए उस टाइम पर मैंने बहुत धक्के खाए थे मतलब कहीं मिल नहीं पा रहा था मेरे को फिर उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग हो गई डेली अब अप डाउन करता था गुड़गांव से उसके लिए ट्रेनिंग के लिए फिर वो करते करते फिर एक नवंबर को मेरी ब्रांच में पोस्टिंग आ गई फिर एस बी का फॉर्म आया था अक्टूबर में और आई बी का फॉर्म आया था अक्टूबर में। मैंने वो दोनों फिल करे और उसी बीच फिर नवंबर में एस क्लर्क का रिजल्ट आ गया वो मेरा दो से तीन नंबर से नहीं हुआ फिर उस टाइम मेरे को थोड़ा सबसे ज़्यादा दुख मेरे को मैंने मेरे, मेरे पहले भी एग्ज़ाम नहीं निकले हैं लेकिन मेरे को दुख कभी नहीं होता था मुझे ये लगता था कोई ना कुछ गलती करिए है तभी नहीं हुआ है अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगी आज नहीं तो कल मिलेगी ये नहीं कि आपके चार पांच आप स, पहले एग्जाम से लेकर पाँचवें एग्जाम तक आप सब सही कर रहे हो आपका नहीं निकला आपकी गलती है कुछ ना कुछ अब एस बी क्लर्क के टाइम पर मेरी तो कोई गलती नहीं थी मैं तो अपने डेडिकेशन से पढ़ ही रहा था वो वही घर पर थोड़े काम की वजह से वो मेरा एग्जाम नहीं निकला फिर उसके बाद तीन चार दिन बाद ही मेरा एस बी आई पी ओ का प्री था मैंने वो एग्ज़ाम दिया फिर उसके बाद मेरे घर पे ना मेरे भाई की शादी आ गई थी तो पंद्रह एक दिन तब उसमें लग गए मेरे HBAPO का प्री कैसा गया था प्री सर अच्छा हुआ था मुझे पता था कि हो जाएगा मेरा अच्छा कॉन्फिडेंट थे कॉन्फिडेंट था मैं मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा ठीक है मतलब मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि डाउट में नहीं था बच्चे डाउट में आ जाते हैं यार पिछले साल की कट ऑफ इतनी गई थी इस साल का पेपर का लेवल ये है इस साल वैकेंसी इतनी है इस साल ये है ये है वो है मतलब मैं इन सब चीज़ों में कभी नहीं पढ़ता था मतलब एटलीस्ट मेरे को अगर प्रेम्स की बात करूँ मैं मैथ तो, पॉइंट और रीजनिंग में मुझे ये होता था, था कि मैं इन दोनों सेक्शन से ही मैं सिलेक्शन ले जाऊँगा क्वालिफाई मैं कर जाऊँगा मैं इतना अटेम्प्ट कर कर आता था, था और वो हंड्रेड परसेंट के साथ होते थे क्योंकि मेरे मैथ मैथ्स तो, जो पॉइंट जो है वो मेरा मतलब शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रहा है मैथ्स अकाउंटेंसी तो, वगैरह ये सब चीज़ें जो भी न्यूमेरिकल uh, चीज़ें जहाँ जहाँ नंबर्स थे वो चीज़ मेरी स्ट्रांग रही है जहाँ पर भी नंबर्स होते थे वो चीज़ मेरी स्ट्रांग रही है उसके बाद फिर मैं कॉन्फिडेंट था मैं कहा हाँ चल हो जाएगा ये और फिर घर पर थोड़ी तैयारी वगैरह भी करानी थी तो मैं मैं मेन्स की प्रिपरेशन जो मैं कैरी आउट नहीं कर पाया था बट मैं एक चीज़ रोज़ ये कोशिश करता था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद कि तीन से चार दिन की करंट अफेयर्स जो है वो मैं कर लूँ एटलीस्ट क्योंकि ये गलती मैंने ये पहले करी है ये, ये गलती मैंने कर हो कि आपकी आईबीएस क्लब की जो ज्वाइनिंग हो चुकी थी, थी। एस बी एफ का प्री हो चुका था, हो था। प्री हो चुका उसका मेंस था जनवरी में जनवरी में, में दो जनवरी दो जनवरी को मेंस था ये जो दिसंबर मंथ था तुम्हारे नवंबर एंड नवंबर लास्ट वीक दिसंबर हमारा मंथ बहुत था इस टाइम पे तुमने कैसे प्रिपेयर किया इस टाइम पे अब वो चीज आ जाएगी कि तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल थे हाँ, बेसिक तुम्हारे क्लियर थे हाँ, नो डाउट तुमने एग्जाम एग्जाम भी क्लियर को को हाँ, है लेकिन मेंस एक को एक टैकल करना एक अलग चीज़ चाहिए होती उसके चाहिए। लिए। तो उसके लिए लिए तो अब मतलब कि कैसे कितने घंटे वो बिजनेस वाली ब्रांच है आपको पता ही है कि वहाँ भीड़ कैसी रहती होगी क्योंकि मार्केट मेन मार्केट की ब्रांच है वो चांदी चौक इंडिया की एशिया की सबसे सब बहुत पुरानी मार्केट है तो मैं मतलब कहते हैं कि दस से पाँच की है क्लेरिकल की तो बट नहीं मेरे को सवा छः साढ़े छः मच जाते हैं आराम से, निकलते साढ़े छः में ब्रांच से निकलता था पैंतालीस मिनट मेरे को घर आने में लगता था तो उसके बाद फिर कब स्टडी कब शुरू करते थे आधा घंटा थोड़ा रेस्ट करता था फ़्रेश फ्रेश हो गए रेस्ट हो गए कॉफ़ी वगैरह पी उसके बाद आठ बजे के आसपास मैं पढ़ने बैठता था कब तक आठ से ग्यारह सवा ग्यारह से ज्यादा उसके बाद बैठा नहीं जाता था कि भाई सुबह जल्दी उठकर फिर सर ठंड का टाइम होता था नहीं उठा था नहीं जाता था तो आठ से ग्यारह साढ़े तीन घंटे मैक्स तीन घंटे वर्किंग डेज पे दिसंबर के मंथ दिसंबर हाँ नवम्बर भी कह सकते हो सर अब नवम्बर और दिसंबर नवंबर तुमने तीन घंटे जो क्रूशल मंथ होते हैं मैंने उसमें तीन ही घंटे दिए अब ये तीन घंटे तुम बताओ कैसे इतना कुछ कर लिया सर एक्चुअली होता क्या है मैं तैयारी तो कर रहा था बहुत टाइम से मुझे गलती जैसे आपने दो गलतियां लिखी ये गलती मुझे पता चल गई कि मेरे को कैसे ठीक करनी है भाई गलती तो मैं, तो मैं तो कर, कर रहा हूँ सुधारूंगा नहीं। भी मैं तो हाँ, सुधार सुधारूंगा हाँ। भी मैं नहीं डेली तो मैं सर तब से कर रहा था जनवरी ट्वेंटी से मैंने आपको फॉलो करना शुरू करा है तब से मैं आप ही कोई फॉलो कर रहा हूँ मैंने कोई दूसरे सोर्स की तरफ भी नहीं गया मैं तब से डेली ही करेंट अफेयर करता हूँ मैं वीकली भी करता हूँ मंथली कभी हो पाती थी कभी नहीं हो पाती बट जो एग्जाम मीन्स एग्जाम से दस बारह दिन पंद्रह दिन का जो शेड्यूल होता था ना मेरे से वो ढंग से नहीं हो पाता हो पाता ठीक है पा ठीक था था, था। थीक है, है उसमें क्या होता था कि कंफ्यूजन होती थी ठीक है, इस बार मैंने क्या चीज़ करी इस बार मैंने ये चीज़ सोची कि जैसे मेरी अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई मेरी उसके बाद मेरे को ये तो था कि भाई देना तो है प्यो मीन्स और प्रीलिम्स की तो सर मतलब निकल जा पहले एग्जाम स्टार्टिंग में निकल निकलते हम निकल जाते थे निकल जाते थे उसमें कोई मेरे को इतनी वो नहीं करनी उसे मॉक से प्रैक्टिस करूंगा और कुछ नहीं करना मैंने कहा एग्ज़ाम में अपीयर तो होऊंगा मैं मेंस के एस बी आई पी ओ मेन्स नहीं निकला तो आई बी पी एस पी ओ मेन्स निकलेगा मतलब पी ओ मेन्स में उसमें होऊंगा अपीयर मैंने कहा करंट अफेयर से पाला तो दोबारा पढ़ने ही वाला है तब फिर मैंने क्या करा मैंने जब नोटिफिकेशन आया तब से ही मैंने ये कहा मेरी कोई मेरा क्वांट ना हो मेरा रीजनिंग ना हो इंग्लिश में मैं एडिटोरियल रीड ना कर पाऊँ रोज लेकिन मेरे को किसी भी कीमत पे तीन से चार दिन की करंट अफेयर्स जो है जो SBI की या IBPS PO mains में आने वाली है मेरे को वो करनी है रिवीजन बार बार। हाँ पिछले तीन दिन की। तीन आज दिन की, की तो की गई। हाँ पिछले दो दिन की, की, की या पिछले महीने पिछले महीने हाँ, का उठा लिया। वाला daily हाँ मैं की करनी है मेरे को क्योंकि एक तो ये होगा कि

कि जैसे सुबह उन्होंने करंट अफेयर्स की क्लास ली दोपहर में उन्होंने एक रिवीजन दिया शाम को एक रिवीजन दिया और रात को एम सी यू क्लास से पहले भी एक रिवीजन दे दिया अब उन्होंने वो जब फुल टाइम जब कर रहे थे तब उस टाइम पर तो अब आप फुल टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सफिशेंट टाइम, टाइम है।, है अब मैंने जब मैं अब ये इस पॉइंट पर आऊँगा मैं दस बारह घंटे जो मैं पहले पढ़ रहा था उसमें से मैं फिफ्टी परसेंट टाइम अपना फिफ्टी का सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट टाइम मैं अपना देता था uh, क्या नाम है रीजनिंग पर और क्वांट पर बाकी मैं काम टाइम कम देता था अब जो मैंने वो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट जो मैंने टाइम दिया वो मेरे को यहाँ कंपेंसेट हो गया तो क्योंकि अब आप, आप आप, आप क्वेश्चन की सॉल्व करने की तो टेक्निक वही रहेगी कि भाई किस तरीके से आपने क्वेश्चन को पकड़ना है डी है या पजल है वो तो टेक्निक वही रहेगी जॉब ज्वाइन करने के बाद मेरे को वहां फोकस ज्यादा नहीं करना पड़ता था वहां मैं सिर्फ क्या करता था जैसे नवंबर और दिसंबर का मैं बताऊं आपको मैं एक ऑल्टरनेट डेज पर देता था एक डी आई पीओ मेन्स लेवल की एक डी आई अच्छा। मंडे करी तो ट्यूसडे को एक पीओ मेंस का पजल इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता था मेंस के, के लिए सिर्फ मैं यही करता हाँ तीन घंटे में क्योंकि उसमें मेरे को मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता हूं ये नहीं वही फटाफट सॉल्व कर दिया पजल है उसमें पॉसिबिलिटी चार बन रही है तो चारों में सॉल्व करके देखता हूँ कि बाकी तीन कैंसिल किस पॉइंट पर जाकर हो रही है।, है और जो एक पॉसिबिलिटी से फाइनल क्वेश्चन बन रहा है वो किस पॉइंट कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिससे वो आपकी इस चीज से ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है ठीक है आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान हो जाएगा कि भैया ये कितनी देर में सॉल्व होगा ठीक है ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो अब व स्नहिल सर थे मैंने ये चीज़ सोची मैं यार करंट अफेयर्स पे देना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम पर मेरा सिर्फ क्लैरिकल निकला था मैं कहा मैंने तो पी के लिए भी जाना है आगे वो तैयारी तो करनी है तो तब से फिर मैंने यही करा कि मैं डेली रूटीन में ही अपना यह करता था कि जैसे लेट्स सपोज़ फर्स्ट अप्रैल अभी परसों लगाया फर्स्ट अप्रैल को मैंने फर्स्ट अप्रैल की करंट अफेयर्स करी और मार्च का महीना उठाया मार्च के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मार्च की वो भी करंट अफेयर्स मैंने आज करी इससे क्या होता था जब तक पंद्रह अप्रैल आती थी पंद्रह अप्रैल भी क्या बारह तेरह अप्रैल जब आती थी मार्च की मेरी रिविजन हो चुकी है और अप्रैल तो मैं टू डेटेड हूँ अप टू डेट हूँ अब बारह मान लो चौदह अप्रैल तक खत्म हो गई मार्च की फिर उसके बाद अप्रैल में तो अभी पंद्रह दिन हो रहे हैं सोलह दिन हो रहे हैं फिर आप फेबररी की उठा लो अब ऐसे ही आपकी फेब्रवरी की भी खत्म हो जाएगी तो इससे एक महीने के अंदर आपने तीन महीने ही करंट अफेयर्स कर ली इससे ये चीज़ होगी कोई भी एग्जाम आएगा आपको उस टाइम लोड नहीं लगेगा कि यार मैंने तो पढ़ा नहीं मैं तो भूल गया क्योंकि आप उसको साथ के साथ रिवाइज करते हुए चल रहे हो तो बैंकिंग में और इंश्योरेंस में फोकस ये रहता है कि लास्ट के चार महीने से सेवेंटी टू एट्टी क्वेश्चन निकल जाते हैं जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो पिछले पाँचवें छठे या सातवें महीने से आते हैं तो आप छः महीने के करके चलो उससे आपको सक्सेस मिलेगी कोई इशू नहीं आएगा उसमें आपको ठीक है

पीओ मेंस की या ऑफिसर लेवल की अगर हम बात करें एग्जाम की उसमें क्या है इंग्लिश के एग्जाम में आपके रीडिंग कॉम्प्रीहशन स्किल्स ही चेक होते हैं रीडिंग स्किल्स आपके कितने अच्छे हैं क्योंकि उसमें आर आएगा पैरा जम्बल्स आएंगे पैरा फिलर्स आएंगे डबल फिलर्स आएंगे ये सब चीज़ आती हूँ और लेंद, लेंदी रहता है पेपर इंग्लिश का तो आपकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने एक पैरा पढ़ा आपको उसका हिंदी में कहते हैं ना सार पता चलना कि भाई इसका सार क्या है तो आपको एक बार में उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए उसका इंग्लिश के लिए मैं सिर्फ ये करता था और रीजनिंग मैथ्स के लिए मैं एक डीआई और एक पजल ऑल्टरनेट डेज पे ये भले एग्जाम से एक हफ्ता पहले हो या पंद्रह दिन पहले हो या दो महीने पहले हो मैं इतना ही करता था इससे ज्यादा मैं ज्यादा उस पर जोर नहीं डालता था कि भाई हाँ ये वो भी सिर्फ इसलिए करता था कि जो कैलकुलेशन है ना और जो जैसे डी में तो कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कैलकुलेस करने की जैसे जो भी टेक्निक कहली टेक्निक तो सर वैसे कुछ नहीं होती सब दिमाग में ही करते हैं तो वो चीज़ आपकी ना वैसी होनी चाहिए क्या कहते हैं आप उसके साथ जुड़े रहो अगर आप बीच में ब्रेक दोगे तो आप भूल जाओगे भाई मैं कैसे करता था और पज़ल में आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई आपने नोट कैसे करनी है जो हम नोट करते हैं ना कंडीशन वगैरह नोट करते हैं तो आपको वो चीज़ कंटिन्यू में रहेगी मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उससे तो इसलिए मैं एक पजल और एक डी करता था बस ओके okay. तो अब तुमने ये इस तरह से अपनी जर्नी को कम्प्लीट कर लिया अब मेन बात आते हैं मोक टेस्ट पे बहुत सारे लोग मोक टेस्ट का पूछते हैं तो तुम मोक टेस्ट का मुझे बताओ अब तुम मोक टेस्ट का कैसे करते थे मतलब कि ये तुम शुरू से बताना मोक टेस्ट की जब तुम आईपीपीएस क्लर्क से पहले प्रीलिम्स के मोक टेस्ट कितने कितने कैसे कैसे दिए और उसके बाद तुमने अभी फिलहाल एग्जाम से पहले कैसे कितने कितने डेली सर जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो मैंने तीन चार महीने जब मैंने ये गलतियां करी इसमें एक गलती ये भी थी कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था अच्छा जैसे आपने लिखा ना टीचर्स का सिलेक्शन में कोई दिक्कत हुई फिर मैंने करंट अफेयर्स पे भी फोकस नहीं करा था तो उसमें एक गलती ये भी थी मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था मतलब जब मैं टीचर से पढ़ रहा था तब फिर ये लग, वो मतलब उन्हीं टीचर से पता चल जा रहा है नहीं मॉक टेस्ट का लेवल तो एग्जाम लेवल से हटके होता है आप प्रैक्टिस ही करो आपका उसमें हो जाएगा ठीक है फिर जब मैंने टीचर स्विच करे तब मैंने मॉक टेस्ट भी देने शुरू करे तो मैं एग्ज़ाम से पहले मतलब कोई भी अगर प्रिलिम्स एग्जाम है उससे एग्जाम से पहले मैं मतलब जैसे एक महीना बचा है तो मैं तब स्टार्ट करता था रोज का एक मॉक देता था जैसे मान लीजिए थर्टियथ को एग्ज़ाम है मेरा आज फर्स्ट है फर्स्ट से टेंथ तक मैंने दस मॉक टेस्ट दिए रोज एक एक मॉक टेस्ट देता था और मेरा टाइम बचता मॉक टेस्ट को एनालाइज़ करने में मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगता था रीज़न ये था कि मेरी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी थी।, थी।, थी तो उसमें जो मतलब ये होता था मान लीजिए जैसे पैंतीस क्वेश्चन आते हैं पैंतीस में से कोई अगर मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई था अगर किसी में तो उसमें पच्चीस ही कर पाऊंगा या चौबीस ही कर पाऊंगा तो वो चौबीस पच्चीस जितने भी करता तो वो सारे ठीक होते थे हाँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता था कि कोई पजल या डीआई आ गई जिसमें मेरे को टाइम कंज्यूमिंग हो गई है वो वो क्वेश्चन फिर मैं आराम से बैठकर देखता था कि और किस किस तरीके से कर सकते हैं उसके बाद जैसे मैंने एट से टेंथ तक का तो शेड्यूल आपको बताया एलेवन से लेकर ट्वेंटी तक फिर मैं रोज के दो मॉक टेस्ट लगाता था फिर उसके बाद इक्कीस uh, से लेकर तीस तक तीस तक तो नहीं अट्ठाईस तक जैसे तीस को तो एग्जाम है उनतीस को मैं नहीं देता था लास्ट डे मॉक नहीं देता था इक्कीस से लेकर अट्ठाईस तक फिर मैं रोज के तीन मॉक लगाता था okay, एक, दो तीन तीन इस, आ, तो इस तरीके इस से मैं करता इस पैटर्न से काम करता हूँ मीन्स तो? में अगर क्लेरिकल मीन्स है तो क्लैरिकल मेंस में मैं तो मैं मतलब क्लैरिकल मेंस के पेपर के लिए मैं रोज का एक मॉक टेस्ट दे देता दे था ठीक है रोज एक मॉक मैं दे देता था जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में अटेम्प्ट करता था मैथ रीजनिंग और उसका इंग्लिश का सेक्शन में करता था पीओ मेंस का मैंने आज तक मॉक नहीं दिया फुल फ्लैज मॉक मैंने नहीं दिया वो मैं सिर्फ सबमिट करता था उसको और फिर मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करता था क्योंकि पी uh, ओ का पेपर डिज़ाइन उस तरीके से किया जाता है कि जो एक तो लेंदी होगा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा आपको क्वेश्चन वहाँ सही करने आने चाहिए एक्यूरेसी आपको अच्छी चाहिए हाँ ये है अगर आप क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में लेवल वैसे ये है एस बी का लेवल जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है इजी भी आ सकता है मुश्किल भी आ सकता है क्योंकि एस बी सरप्राइज़ देता है वो हर साल सरप्राइज़ देता है जितने भी एक्सपीरियट होते हैं तो उसमें ये चीज़ रहती है कि आपको हर तरीके से तैयार होकर जाना है आप लगा रहे हैं सारे टफ टफ़ क्वेश्चन पेपर आसान आ गया अब आप उसको कर रहे हैं आराम आराम से लेकिन स्पीड चाहिए थी तब यूजली एक एस क्लर्क में होता है मतलब कि एग्ज़ाम क्या है कि एक डीआई आ गई थोड़ी फंसाने वाली बट बाकी पेपर सारा इजी था तो वो आपको सारे लेवल करने आने चाहिए तो मैं मॉक टेस्ट सबमिट कर कर पी ओ के क्लर्क का तो मैं मतलब मैंने टाइमर के साथ दिए हैं पी ओ के मैं सबमिट कर कर तो इस दौरान मॉक देते थे? इस दौरान ये जो तीन महीने इस दौरान सर आठ महीना था आपने सुना होगा मतलब मैंने ये आप रिस्क कह लीजिए जो भी कह लीजिए मतलब मैंने कुछ नई चीज़ मतलब हर कोई कुछ ना कुछ करता है हर किसी की जर्नी में कुछ ना कुछ नया ना होता है मैंने ये चीज़ सोची आपने सुना होगा जब एग्ज़ाम पास आने वाला होता है ना आपने भी बहुत बार बच्चों से क्लास में पूछा कि भाई मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे मतलब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ये चीज़ जब तक आप जॉब में नहीं है आपका क्लरिकली या पीओ अगर पीओ आपका हो गया अच्छी बात है आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जब तक आप किसी जॉब में नहीं है आप ये चीज़ मत करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बेसिकली मैं क्या चीज़ करता था अब आपको पता है कि जो फर्स्ट से लेके ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स मिलते हैं अगर हम किसी भी मॉक टेस्ट की बात करें ट्वेंटी मार्क्स मिलते हैं हमको प्रलियम्स के जो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी तक जो होते हैं उनका मॉक का लेवल होता है थोड़ा हार्ड ठीक है अब मैं क्या करता था इस दौरान मुझे पता है कि भाई मैंने पेपर इतने दिए हैं क्योंकि पेपर तो देखो ईजी आता बस ये है पी मेंस में पी प्रीलिम्स में एस बी आई या आई बी पी एस में इसमें क्या चीज़ मिल जाती है हम लोगों को कि या तो कोई पजल ट्रिकी आ जाएगी या एक डी आई ट्री आ जाएगी इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता पाँच नंबर आप वहाँ से घटा लो पाँच नंबर आप वहाँ से घटा लो तीस तीस नंबर तो आप वहाँ से बाकी भी निकाल सकते हो अगर आप उस पजल में या डी आई में फंस गए मैं क्या करता था मैं तैयारी मैं करता था बीस बीसवा मॉक पहले उठाता ट्वेंटी मॉक में पहले उठाता था ट्वेंटी नाइन्टीन ऐसे करते करते एग्ज़ाम से पहले मैं फर्स्ट मॉक तक आकर देता और मैंने इस टाइम पर भी मैंने टाइमर के साथ नहीं देता था मैं प्रीलिम्स का मॉक भी सबमिट कर देता था ठीक है। और सबमिट करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन क्योंकि मेरा एम यही रहता था कि मेरे को जो सत्तर क्वेश्चन है ये सत्तर के सत्तर क्वेश्चन मेरे को ठीक चाहिए तो इस सत्तर क्वेश्चन में ये रहता था कि हाँ अगर आपके सत्तर क्वेश्चन ठीक है आपके कॉन्सर्ट ठीक है आप ये और मैं ये भी नहीं है क्योंकि ये तीन घंटे जो है ये तीन घंटे नहीं ये तो तीन बहुत... का तुम बताने लग गए मुझे हाँ नहीं नहीं ये जैसे तीन जैसे मैंने नवंबर की बात कर रहा हूं मैं अभी मैं नवंबर की बात कर रहा हूं आपके देखे, नवंबर की

ठीक है आप सबमिट करके कि तो आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे हो आप और क्या कर रहे हो अब प्रैक्टिस करने में ये नहीं है अब जैसे मान लीजिए बीस बीस मिनट का सेक्शन है तो मैं हार्डली पचास मिनट मैक्सिमम मैक्सिमम पैंतालीस से पचास मिनट में मैं, मैं वो सत्तर क्वेश्चन खत्म कर देता था क्योंकि मेरे को ये चीज़ होती थी कि मेरे को मेरे पास टाइम तो तीन सवा तीन साढ़े तीन घंटे ही है पढ़ने के लिए तीन घंटे से ज़्यादा मेरे पास है नहीं क्योंकि उसके बाद फिर नींद आने लग जाती है अगले दिन ऑफिस भी जाना है तब फिर ये चीज़ होती थी तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस ये देता था कि मेरे को सिर्फ सबमिट करना है और मेरे को सॉल्व करना है और मेरे को अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है मेरे को एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट दिए ठीक है मैं सत्तर की जगह सिर्फ पैंसठ क्वेश्चन ही कर पाऊँ कुछ मैं छोड़ भी देता था कि भाई जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है कि पहले मैं एक ये चीज़ हो जाएगी ना आपने अपनी प्रोग्रेस में एक मॉक कम्प्लीट कर दिया ठीक है पाँच क्वेश्चन नहीं हुए नहीं। लेकिन आपने वो मॉक अपना कम्प्लीट कर लिया तो उसमें मैं ये चीज़ करता था कि भाई पहले ट्वेंटियथ मॉक उठाया फिर नाइनटीन एटीन सेवेंटीन ऐसे करते करते एग्ज़ाम से पहले और इस दौरान क्या होता था कि मेरी मतलब प्रैक्टिस क्योंकि मैंने पहले अच्छी खासी कर रखी थी इस टाइम पे मैं रोज के जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं पहले पहले दस दिन एक महीने का पहले दस दिन एक एक मॉक दिया फिर दो दो दिए फिर एग्जाम से सात आठ दिन पहले तीन दिन, -दिन मॉक दिया मैं इस टाइम पर देता ही तीन मॉक था रेगुलरली मतलब नवंबर अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर तक जब तक मेरा एस बी आई पी होगा प्रेम सिंह मैं ये मॉक्स तुम दे रहे हो तुमने कह रहे थे मैं एक देता दो देता तीन देता कितनी, कितने कितने मॉक टेस्ट तुमने खरीद रखे थे सर सबसे पहले तो मैंने एक ही लिया था फिर जब तो मैंने ये चीज़ सोची मैं कहा यार ये चीज़ भी तो कहीं जा सकती है क्योंकि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको दूसरों से बेहतर ही होना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो अब उसके लिए हर कोई अपना दिमाग लगाता है कि भाई मैं क्या अलग करूँ मैं क्या अलग करूँ यूट्यूब पर आपको बथेरी वीडियो मिल जाएंगी लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उसके लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा कि भाई मेरे को अगर मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं तो उसके लिए मेरे लिए क्या बेस्ट है मैं अपने आप को कहाँ तक पुश कर सकता हूँ अब हुआ क्या मैंने एक मॉक लिया वो सफिशेंट पढ़ता ही था फिर अब क्या आजकल मॉक टेस्ट ना प्रीवियस ईयर के भी एग्ज़ाम जो हैं जो हुए हैं वो भी अवेलेबल करा देते हैं तो कंटेंट हो जाता है वो भी सफीशेंट नहीं था फिर एक मॉक टेस्ट और लिया मैं दो मॉक टेस्ट लेकर चलता था फिर जैसे एक एक्सपायर हो गया तो फिर कोई और ले लिया तो तीन मॉक टेस्ट एक टाइम पर तीन मॉक टेस्ट भी थे मेरे पास और मैं सबका ही कंटेंट मतलब सबकी प्रैक्टिस तो करता तो था सर सबसे पहले तो मैंने प्रैक्टिस मॉक लिया था प्रैक्टिस मॉक खत्म हुआ फिर मैंने स्मार्ट कीड़ा लिया फिर आपका स्टडी नीति का एक मॉक टेस्ट और लॉन्च हुआ था तो मैंने वो भी लिया उसका कंटेंट भी मेरे को बहुत पसंद आया फिर मैंने स्मार्ट कीड़ा और स्टडी नीति के मॉक जो हैं वो मैंने साइमटेनियसली मैं लगाता गया उसको उनसे मैं प्रैक्टिस करता गया क्योंकि कंटेंट अच्छा था दोनों जगह कंटेंट अच्छा था और एक चीज़ ये भी होती है कि आपको कंटेंट डेवलपर्स अलग अलग होते हैं सबके तो आपके पास वेरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाती हैं एक फिर उसके बाद मैंने प्रैक्टिस मॉक दोबारा लिया मैं कहा चल ले लेता हूँ यार ठीक है क्योंकि ये थी ये वो रिसोर्स है जहाँ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दो हज़ार रुपये के मौक है अगर आप किसी पीओ जॉब में लग जाओ तो आपकी एक दिन की सैलरी है वो लेकिन वो एक साल तक आपको पे कर रही है आपने नहीं तो दो हज़ार रुपये जो इन्वेस्ट करे वो एक साल चलेंगे आपके एक साल की वैलिडिटी रहती है तो आपको एक साल तक आपके वो दो हज़ार लेकिन अगर आप पी लग गए तो आपकी एक दिन की सैलरी है वो आप तो मैं मुझे ये बात एक और याद आ रही है स्नेहिल का जब मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू लिया था स्नेहिल ने मुझे एक बात कही थी इंटरव्यू में

बैंकिंग में तो सर फिर कहते हैं कंपटीशन है बट आप कट ऑफ़ देख लो प्रीलिम्स की हाई चली जाती है रीजन बिंग की पेपर इजी रहता है आप मेंस की देख लीजिए अभी मेंस की कट ऑफ एस बी आई की ढाई सौ नंबर का पेपर है तो नाइन्टी फोर कट ऑफ गई है कितना हो गया चालीस परसेंट से भी कम चालीस परसेंट से भी कम हो गया आप एस रेलवे की बात करो तो बंदों के दो में से सवा दो सौ नंबर आ रहे होते हैं mm. तो कॉम्पिटिशन तो अगर आप वो प्रिलिम्स में बस ये है कि छट जाता है कॉम्पिटिशन मेन आता है आपका मेंस और मेंस तो में, तो में तो आपको चाहिए कि आपका दिमाग कितना अच्छा और कितना तेज़ी से चल रहा है ये चीज़ आपको चाहिए उसमें ओके तो ये अभी तक बहुत कुछ चीज़ें तुमने बताई बहुत चीज़ें मतलब हमने थोड़ा सा कोशिश की मैंने यश से उन चीज़ों के ऊपर बात करने की जो कि नॉर्मली एक कैंडिडेट को जाननी ज़रूरी होती हैं हमने वो स्टीरियोटाइप नहीं किया कि हाँ यार ये कैसे पढ़ा कितने घंटे पढ़ा क्या क्या किया उसके ऊपर ज़रूरी मुझे ये लगा कि जिस तरह से हमने कैजुअल वे में बातें की वो ज़्यादा जरूरी थी इनके साथ करनी और बहुत छोटी छोटी बातें इन्होंने सिखाई बहुत छोटी छोटी बातें इन्होंने करी जो कि आपको यहाँ पर अडॉप्ट करनी चाहिए और आप अडॉप्ट करके डेफिनेटली उनको कुछ सीखेंगे कुछ करेंगे और इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे तो चलो यश अभी इंटरव्यू का पार्ट रहेगा इंटरव्यू का पार्ट अपने अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंटरव्यू के ऊपर डिस्कशन करूंगा इनसे पूछेंगे कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा एस बी का तो इस इंटरव्यू इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं यश को बोलूँगा कि यश कुछ भी फाइनल एक मिनट दो मिनट जो तुम <laughs> इनको कुछ बताना चाहते हो फाइनल कुछ भी जो मिस्टेक्स सीखे या कोई भी ऐसी बात जो एक रामबान की तरह इनके लिए साबित हो सकती है आ, कहना चाहोगे कुछ भी तुम्हारा स्टेज तुम्हारे लिए अब तुम बताओ इनको क्या कहना चाहते हो और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे इंटरव्यू की वीडियो मैं सेपरेट आपको इनकी दूंगा सर गलतियां तो बताई थी दी मैंने गलतियां कैसे करी हैं और कैसे उनको ओवरकम करा है क्योंकि आप अपने आप खुद ही एनालाइज़ करेंगे अपने आप को अगर आपने कोई गलती करी है उसको एनालाइज़ भी आप खुद ही करेंगे ये कोई स्कूल का या कॉलेज का पेपर नहीं है कि जिसमें आप एग्ज़ाम पेपर लेकर मतलब आपकी एग्ज़ाम शीट आपका टीचर आपको बता देगा कि ये गलती हुई वो गलती हुई है फेजेस ऐसे भी आएंगे कि जिसमें तब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी आप अपने आप पर मतलब थोड़ा आपको वो होगा कि भाई डाउट होगा कि मैं ये कर भी सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ सबसे पहले आप ये देख लेना कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं कि जैसे मैंने जब मैंने स्टार्टिंग के एक दो एग्जाम नहीं निकले थे तब तो मैंने यही चीज़ देखी थी कि मैंने सारी चीज़ें सही करी या नहीं करी अब आप सबसे पहले अपने आप को ये एनालाइज करना क्योंकि आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे आपका कोई ब्रदर आपको एनालाइज नहीं करेगा ना कोई एजुकेटर आपको एनालाइज करेगा आपको खुद ही करनी पड़ेगी जॉब भी आप खुद ही करेंगे सैलरी भी आप खुद लेंगे एंजॉय भी आप खुद करेंगे तो आपको अगर आपकी गलती है तो वो भी आप खुद ही करेंगे तो बस यही कहना चाहूँगा सर कि मेहनत करना छोड़ना मत अगर डिसाइड करा है कि करना है यहाँ जाना है तो बिल्कुल जाना इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है लोग हैं मेरे, मेरे पास मेरे भी मतलब उसमें फ्रेंड सर्कल में या कॉलेज में स्कूल में मतलब जिनको जानता हूँ मैं मेरे को पता था मतलब वो भी बोलते थे भाई हम भी कर रहे तैयारी ये वो तो आप मैंने दोस्ती मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी आपको सेक्रीफाइस तो देखो करना पड़ेगा मेरे को वेब सीरीज वगैरह मतलब एंटरटेनमेंट जो होता है ना ये मीडिया कंजम्पशन मेरे को बहुत अच्छा लगता था अभी भी लगता है लेकिन अभी मैं करता नहीं हूँ और दोस्ती मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी लेकिन मेरे दोस्त नहीं छूटे आज भी मतलब एक साल डेढ़ साल में नहीं मिला मैं उनसे लेकिन आज भी वही दोस्ती है जो सर स्कूल में कॉलेज में थी आज भी वही दोस्ती है तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आपको सक्सेस मिलेगी यू हैव टू सेक्रीफाइस यू हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स बहुत चीज़ें आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी और डेफिनेटली डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आयश की बातों से साफ साफ ये झलक रहा है कि कैमरेज स्टूडेंट होने के बावजूद किस तरह से इन्होंने मैनेज किया अपनी स्टडीज़ को और पहले आई बी पी एस क्लर्क क्लियर किया एक अपनी पहली स्टेप को इन्होंने हासिल किया एक मंजिल को हासिल किया उसके बाद इन्होंने तैयारी को जारी रखा और इवन जॉब लगने के बाद भी इन्होंने अपनी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से किया और फाइनली एस बी पी ओ में भी सिलेक्ट हुए ये एक जज्बा एक इनके अंदर था एक जोश इनके अंदर था जुनून इनके अंदर था भूख 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 इनके अंदर थी तो इस भूख को इन्होंने मिटने नहीं दिया और ऑल तो अच्छा uh, फ्यूचर के थेंक 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 यू, लिए यू आगे और भी आप बहुत जल्दी तरक्की करें भाई प्रमोशन ले जल्दी जल्दी आगे बढ़े है ना दोबारा मिलेंगे दोबारा मिलेंगे कभी प्रमोशन लेके फिर ये जर्नी अपनी शेयर करेंगे कैसे रहा मेरी हस्ट की जर्नी तो चलिए टिल देन टेक केयर ऑल एंड सी यू अगेन इनकी इंटरव्यू वीडियो अलग से मैं बनाता हूँ और उसमें मुलाकात करेंगे बताएंगे आपको अपनी इंटरव्यू के बारे में ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू